नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सीसीएल के सीएमडी डॉक्टर बी वीरा रेड्डी ने शनिवार को खलारी के एनके एरिया का दौरा किया। सबसे पहले सीएमडी डॉक्टर बी वीरा रेड्डी डकरा पहुंचे, जहां उन्होंने वीआईपी सभागार में एनके महाप्रबंधक संजय कुमार सहित सभी परियोजना पदाधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक में उन्होंने क्षेत्र से हो रहे कोयला उत्पादन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद श्री रेड्डी ने एनके क्षेत्र स्थित चूरी अंडरग्राउंड माइंस के अलावा डकरा, रोहिणी, केडीएच और पुरनाडी परियोजना का निरीक्षण भी किया। उन्होंने चूरी अंडरग्राउंड माइंस में कंटीन्यूअस माइनर मशीन से होने वाले कोयला उत्पादन को देखा। वहीं रोहिणी परियोजना में उन्होंने पौधारोपण भी किया। श्री रेड्डी ने मौके पर कहा कि एनके एरिया की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही एनके एरिया का भविष्य काफी उज्जवल है। भविष्य तो अच्छा है, रिजर्व ज्यादा है, थोड़ा ये प्रोजेक्ट अभी मॉर्निंग से लेकर डेकरा, रोहिणी, केडीएच, पूर्णाडी चार प्रोजेक्ट को मैं अभी इंस्पेक्शन करके आया हूँ। सभी प्रोजेक्ट्स में रिजर्व्स है, डिपार्टमेंटल इक्विपमेंट है। क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि CTO, EC, FC ये डिफरेंट स्टेजेस में है, थोड़ा उसको फॉलो करा के देन वो मिलने से अभी ये साल का टारगेट 4.1 मिलियन टन है एरिया का,